talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. It was like a snake the way he was bowling. Indian cricket on its peak. जी हाँ. Bumrah ने reverse swing के वो जोहर दिखाए हैं. Reverse swing पे Bumrah ने वो कमाल किस्म की bowling की है कि England को उड़ा के रख दिया, फड़का के रख दिया. 253 रन पर ऑल आउट हो चुका है और इंडिया परफॉर्मिंग द कंट्रोल द पेस द वेरिएशंस इज जस्ट अ कंप्लीट बॉलर. जसप्रीत बुमराह जो पकड़ा नहीं जा रहा, खेला नहीं जा रहा, ही इज अनप्लेएबल राइट नाउ. दूसरे टेस्ट मैच के अंदर आज इंडिया ने एक बार फिर से इंग्लैंड की पूंगी बजा के रख दी है. बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माय सेल्फ. उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उससे आपको यू नो प्रेशर डालना है, उसे बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उसे चले, और कोई हल नहीं. इंडिया ने इंग्लैंड को फिर से पकड़ लिया. इंडिया की जो क्रिकेट है ना, वो इस फुल पीक के ऊपर चल रही है. एक बार फिर से इंग्लैंड अब अंडर प्रेशर है और इंग्लैंड को ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह की शानदार बॉलिंग के अप्रोच की वजह से दबोच लिया गया है. वो इन स्विंग बहुत अच्छी करता है, आउट स्विंग बहुत अच्छी करता है. इसके अलावा जैसे उसका प्रेशर है बैटर्स पे वो बहुत ज्यादा है कि उसके लिहाज से अगर कोई इंडिया में भी कोई ऐसा बॉलर मैंने नहीं देखा जो कि बुमराह को पीछे कर सकता है अभी तक. पाकिस्तान तो फिर बहुत दूर की बात है. पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर. जसप्रीत बुमराह नाम की एक आंधी आई हुई थी और उस आंधी ने बैस बॉल का सब कुछ वो बहा के ले गई है. 6 विकेट जसप्रीत ने 6 विकेट लगाई हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए हैं. क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया है, किस चीज में फास्टेस्ट बन गए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. लेकिन जाके बुमराह से सीखना चाहिए. मैं कहता हूँ शेन को जाके सीखना, पूरी पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए जाके बुमराह से. और बुमराह को क्या कहना चाहिए, सर सलूट आपको, जो आपने कितने मतलब 8 मैचेस के अंदर से 5 मारा हुआ और जो शेन ने सिर्फ 4 पड़ा हुआ, तो यार बुमराह बड़ा बोलर, नो डाउट. बुमराह नाम की जो आंधी थी ना, वो इंग्लैंड का सब कुछ जो है बहा के ले गई है. यानी जो नजर आ रही है वो यही आ रही है कि भारतीय टीम ने इस टाइम इंग्लैंड को दबोच लिया है. हीरे जैसा, कोहिनूर जैसा, कोहिनूर जैसा बॉलर मौजूद हो जसप्रीत बुमराह की सूरत. अरे अरे भाई, वीडियो को स्किप नहीं करना. अभी तो आपने सिर्फ पाकिस्तान मीडिया का छोटा सा ट्रेलर देखा है, असली मजा तो आगे पूरी वीडियो में है. तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है. दोस्तों, आज टीम इंडिया और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन था, जिसमें टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 396 रन का टारगेट दिया और यशस्वी जायसवाल ने आज डबल सेंचुरी बनाकर तारीफ रकम कर दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को हिला के रख दिया. इसके अलावा भारतीय गेंदबाजों ने भी आज तबाही बॉलिंग की, खासकर बुमराह ने तो आज कमाल कर दिया. एक के बाद एक विकेट इंग्लैंड के बल्लेबाजों की उड़ाई. तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जसप्रीत बुमराह की तेज गेंदबाजी की तारीफें हो रही हैं. तो पाकिस्तान मीडिया का इस पर रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलते रहे. क्या कमाल किस्म की जो बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने, जहां पर कहा जा रहा था स्पिन ट्रैक है, बुमराह ने रिवर्स स्विंग के वो जोहर दिखाए हैं. रिवर्स स्विंग पे बुमराह ने वो कमाल किस्म की बॉलिंग की है कि इंग्लैंड को उड़ा के रख दिया, फड़का के रख दिया. 253 रन पर ऑल आउट हो चुका है और इंडिया की अगर लीड की बात कर ली जाए, 171 की इस वक्त जो इंडिया लीड ले चुका है. 28 रन हुए हैं, 5 ओवरों में इंडिया तेज खेल रहा है, कोई खिलाड़ी इंडिया का आउट नहीं है. तो एक बार फिर से इंग्लैंड अब अंडर प्रेशर है और इंग्लैंड को ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह की शानदार बॉलिंग के अप्रोच की वजह से दबोच लिया गया है. क्या कहेंगे राहुल साहब? नहीं भाई, कहानी जो नजर आ रही है वो यही आ रही है कि भारतीय टीम ने इस टाइम इंग्लैंड को दबोच लिया है. 253 पर ऑल आउट हुई है इंग्लिश टीम, कर्टसी बूम बूम बुमराह, कर्टसी जस्सी जैसा कोई नहीं. 6 विकेट जसप्रीत ने 6 विकेट लगाई हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए हैं. क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया है, किस चीज में फास्टेस्ट बन गए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. लेकिन उससे पहले अली साहब जो आज बॉलिंग किया, बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स एक बार फिर भारत की राह में रुकावट बन गए थे. स्टोक्स ने आज कमाल करने लगे थे, लेकिन वो जो बोल्ड किया स्टोक्स ने, ऐसे अपने हाथ किए आउट होने के बाद स्ट्रोक्स ने, बोल्ड होने के बाद अपने हाथ ऊपर कर लिए. एक बार, कोई आम बात नहीं है, ये हो रहा है. इंडियन क्रिकेट ऑन इट्स पीक. जी हाँ, इंग्लैंड ने फिर से आपके सामने क्रैश कर दी. इंडिया ने इंग्लैंड को फिर से पकड़ लिया. इंडिया की जो क्रिकेट है ना, वो इस फुल पीक के ऊपर चल रही है. जसप्रीत बुमराह जो पकड़ा नहीं जा रहा, खेला नहीं जा रहा, ही इज अनप्लेएबल राइट नाउ. जसप्रीत बुमराह पकड़ा नहीं जा रहा, अनप्लेएबल हुआ है यार. बंदा पूछे, मैं सोचता हूँ एक चीज,
जब आपके पास इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, जब आपके फास्ट बॉलर किसी भी पिच के ऊपर आराम से विकेट्स निकाल सकते हैं, तो फिर वाई स्पिन ट्रैक की जरूरत ही क्या है, जब आपके पास हीरे जैसा, कोहे नूर जैसा बॉलर मौजूद हो जसप्रीत बुमराह की सूरत के अंदर, जो कि ऐसी विकेट्स किसी भी विकेट के ऊपर विकेट निकाल के दे सकता है, और अगर उसको अपनी पसंद की मिल जाए तब तो तबाही मचा देता है। तो फिर आपको क्या जरूरत स्पिन विकेट बनाने की, ऐसी विकेट ही बनाए सामने वाले का तो वैसे ही बुरा हाल हो जाएगा। सौरभ गंगोली ने भी ट्वीट किया था, दी लेजेंड सौरभ गंगोली ने, वो ट्वीट किया था, वो कुछ आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी बात करते हैं, इंडिया 28 पे 0 171 की लीड हो चुकी हुई है। पर जसप्रीत बुमराह नाम की एक आंधी आई हुई थी और उस आंधी ने बेसबॉल का सब कुछ वो बहा के ले गई है। बुमराह नाम की जो आंधी थी ना, वो इंग्लैंड का सब कुछ जो है बहा के ले गई है, और इंग्लैंड की टीम 253 पे ऑल आउट हो गई है। इंडिया के 396 के जवाब में इंग्लैंड 253 पे ऑल आउट। जसप्रीत बुमराह भाई साहब, ये दिन जो है जसप्रीत बुमराह के नाम लिखा जाए, अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। जिस तरह से आज जसप्रीत बुमराह ने जो है वो चुटकियों में जो है इंग्लैंड की जो टीम है ना उसको ऑल आउट कर दिया। 6 विकेटें जनाब जसप्रीत बुमराह ने ले ली है, टोटल 16 ओवर भी पूरे नहीं हुए, 15 ओवर और 5 बॉलों पे जसप्रीत बुमराह ने 45 रन दे के 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। और बिल्कुल जावर लग रहा था कि इंडिया ने कम रन बना लिए भाई, और इंडिया जो मुश्किल में पड़ जाए। वहां पर इंडिया के 396 के जवाब में जो है इंग्लैंड की टीम 253 पे ऑल आउट हो गई है, और ऐसा लग रहा था कि आज जसप्रीत बुमराह जो है वो अनप्लेएबल हुए हैं। यकीन माने आप, आज जो है वो दसवां जो है वो 5 विकेट लिए उन्होंने, और अगर देखा जाए तो कमाल कर दिया, यानी कि कमाल लाजवाब यार जो है 5 विकेट ऑल लेना इतना आसान काम नहीं होता है। बार बार कोई जैसा कि आपने शुरू की क्लिप्स में देखा कि किस तरह पाकिस्तान मीडिया आज जयसवाल की तूफानी बल्लेबाजी और बुमराह की तेज गेंदबाजी की तरफ कर रहा है, और पाकिस्तान मीडिया को इस चीज की बहुत ज्यादा मिर्चें लगी हुई हैं कि बुमराह जैसा तेज गेंदबाज हमारे पास क्यों नहीं है, हर बार इंडिया से क्यों अच्छे गेंदबाज निकल कर आते हैं। दोस्तों पाकिस्तान वालों की इस बात पर भी जल रही है कि पहले तो इंडिया से बल्लेबाज निकल कर आते थे और अब तेज गेंदबाज भी निकल कर आ रहे हैं जो हाई विकेट टेकर बनते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान वालों, में आपको यह बताता चलूं कि हमारी टीम में पाकिस्तान की तरह सियासत नहीं घुसती, और दूसरा हमारी टीम में कप्तानी के लिए खिलाड़ी आपस में नहीं लड़ते, वो एक होकर खेलते हैं, सीनियर जूनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और जूनियर सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं, और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। आके आपकी टीम की तरह जब भी पाकिस्तान टीम को मैच हार जाए तो ड्रेसिंग रूम से हमेशा लड़ाई की खबरें निकलकर सामने आ रही होती हैं कि शाहीन और बाबर की लड़ाई होगी, रिजवान और बाबर की लड़ाई होगी। हमारी भारतीय टीम जब कोई मैच हारती है तो उनमें लड़ाई नहीं होती, वो अपनी नाकामियों से सीखते हैं और मेहनत करते हैं कि अगले दिन हम इससे बेहतर करेंगे, ना कि आपकी तरह लड़ना शुरू हो जाते हैं। आज आप खुद देख ले कि किस तरह भारतीय बॉलर्स ने आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों की विकेटें चटकाई हैं। पाकिस्तान वालों, के आपके पास भी कोई ऐसा बॉलर है? आपके बॉलर्स तो इंग्लैंड के सामने कांपना शुरू हो जाते हैं। खैर, आखिर में आपसे एक छोटा सा सवाल है कि जसप्रीत बुमराह इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में हाई विकेट टेकर बनेगा या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलते रहे।